गर्ग और मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल सी रेसिपी शेयर करूंगी, तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं रेसिपी को बनाना। अगर आपको भी होती है बहुत ज़्यादा थकान, एनर्जी नहीं फील करते हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ड्रिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसको आप एक बार पियेंगे तो पूरा दिन आपको एनर्जी मिलेगी। बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी ड्रिंक है और आप इसे डेली भी पी सकते हैं, या फिर आप इसको एक दिन छोड़कर भी एक दिन पी सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी है। इसको बनाने के लिए 4 से 5 मैंने काजू लिए हुए, 4 से 5 बादाम लिए हुए हैं और 2 से 3 मैंने इसमें अखरोट यूज़ किया है। 4 से 5 किशमिश ऐड किया और 4 से 5 ही मैंने इसमें काले वाले किशमिश ऐड किए। इनको सबसे पहले हम कुछ देर के लिए पानी में भिगो देंगे। तो मैंने इनको रात में भिगो दिया था और ये मॉर्निंग में ड्रिंक में बना रही हूँ, तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। इस तरीके से आप इनको नाइट में ही भिगो कर रख लें अगर आपको मॉर्निंग में ये पीना है। बादाम का छिलका अलग निकाल देंगे। ड्राई फ्रूट को एक बॉल में हम ऐड करेंगे। इनको पहले पानी से अलग निकाल लेते हैं और इनके छिलके को मैं अलग रिमूव कर दूंगी। सारे बादाम को हमने छील लिया है। ड्राई फ्रूट हमारे तैयार हो चुके हैं। एक बनाना लेंगे और इसको भी हम छील लेंगे। तो इसको मैंने सबसे पहले साफ़ पानी से वॉश किया था, तो इसको सिंपल हम रफली कट कर लेंगे। तो छोटे छोटे पीसेस में इसे काट लेते हैं। तो बनाना को हमने काट लिया है। एक मिक्सी का जार लेंगे और भीगे हुए ड्राई फ्रूट इसमें ऐड करेंगे। कटे हुए बनाना को भी इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो भी आप इस ड्रिंक को पीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत ही ज़्यादा शार्प आपका माइंड चलेगा, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आप इससे फील करेंगे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा एनर्जी ड्रिंक है ये। तो इसको सबसे पहले शेक कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने दूध डालकर सभी चीज़ों को पहले अच्छे से पीस लिया है, कि अगर आप सारा ही दूध एक बार में डाल देते हैं ना, तो थोड़े बहुत चंक्स रह जाते हैं इसमें। वैसे भी वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बट मैंने इस तरीके से इसको बनाया है। बाकी बचे हुए दूध को भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको शेक कर लेंगे। तो मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया खुशबू आ रही है गाइस इसमें बनाना की, और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ये ड्रिंक बनकर तैयार हुआ है। तो इसको जार में पोर करेंगे। तो बनाना ड्राई फ्रूट शेक बनकर हमारा तैयार हो गया है। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप चाहे तो इसको इस तरीके से भी पी सकते हैं, या फिर आप इसके ऊपर आइसक्रीम भी सर्व कर सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर चॉकलेट सिरप और वेफर से इसको गार्निश किया है। तो मैंने इसको पहले इस तरीके से बनाना से गार्निशिंग की थी, बट ये धीरे धीरे इसमें चले गए और मैंने फिर चॉकलेट्स के पीसेस थे ये मेरे पास इस तरीके से, तो वो भी इसके अंदर चले गए। चोको चिप्स और थोड़ी सी चॉकलेट को क्रस्ट करके फिर मैंने इसके ऊपर इसको इस तरीके से गार्निशिंग किया है। थोड़ा सा इसके ऊपर चॉकलेट सिरप इसके ऊपर ऐड कर देंगे, जिससे ये देखने में और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और जो इसके अंदर वो चॉकलेट चली गई इतनी सारी, उससे भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा था। तो इस तरीके से आप इसको गार्निश कर सकते हैं और डेली आप इसको पी सकते हैं। ये यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और ये विदाउट शुगर है। आप चाहे तो इसको चॉकलेट ये सिरप मैंने इसके ऊपर ऐड किया, इसको स्किप कर सकते हैं। और आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। अगर आपको ये ड्राई फ्रूट बनाना शेक का वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।